हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो वीडियो है ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। डियर, अभी का जो वीडियो है मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि इस वक्त आपके पार्टनर का मूड कैसा है, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त उनका मूड कैसा है, ये सारे साइन के लोग देख सकते हैं। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनना है, ध्यान से सुनना है और जितना रिजोनेट करे उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ठीक है। एक मिनट, कार्ड नीचे गिर गया। डियर, देखिए कार्ड कौन सा गिरा है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप गाइडेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। और पूरा वीडियो जरूर देखें और लाइक जरूर करें डियर, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ठीक है। और चलिए यहाँ पे देखिए, ये कार्ड जो है ये जो गिरा है तो कहीं ना कहीं बहुत के पार्टनर अभी एंजाइटी में भी हैं। डियर, ये कार्ड जो गिरा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त एंजाइटी में है। क्यों एंजाइटी में है इसको लास्ट में देखूंगी डियर, और पहले मैं रून से निकालूंगी, ठीक है। पहले मैं उनकी एनर्जी को देखना चाहती हूँ, इस वक्त उनका मूड कैसा है, ठीक है। बाकी मैं कार्ड सफल कर रख दूंगी, बाद में निकालूंगी। पहले रून से मैं एनर्जी देखना चाहूंगी आपके पार्टनर की, ठीक है। इस वक्त जो कार्ड आया है, हो सकता है मेरे व्यूवर्स आप या अवेकनिंग से गुजर रहे हो या फिर आपके पार्टनर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त ऐसा फील करें, एंजाइटी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर ही कहीं ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। रून से देख लेती हूँ डियर, आखिर ये ज्यादा क्यों सोच रहे हैं, क्यों एंजाइटी में है, आप तक ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये भी है कि कहीं ना कहीं इनकी रात की नींद उड़ी हुई है। इस कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको ये खोना नहीं चाहते हैं। इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, जहां एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यू, आपके खोने का डर, बहुत कुछ मैं देख पा रही हूँ इस एनर्जी में। तो पहले मैं रून से देख लेती हूँ, फिर मैं कार्ड सफल कर देखती हूँ। देखिए डियर, टू नंबर आपके लिए खास होता है, फोर नंबर आपके लिए खास हो सकता है, लेकिन फोर और सिक्स, यहाँ पे फोर और टू जो है सिक्स है, यहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपके पार्टनर खुद को चुप है, खामोश है, साइलेंस है, हो सकता है बिल्कुल आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपके खोने का डर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपके खोने का डर इस पर्सन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इस रिश्ते में ये बैलेंस लाना चाहते हैं और इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा इस वक्त ये फील कर रहे हैं। ये पर्सन पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं डियर, ठीक है। ये अभी भी साइलेंस है, चुप है, खामोश है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कभी कभी बहुत ज्यादा आपको लेकर पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हो जा रहे हैं, जिसके वजह से ये कभी कभी कहते हैं कि मैं अब तैयार हूं, मैं तुम्हारे तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब ये आपके तरफ बहुत ही पैशनेट की एनर्जी आ रही है और इस कनेक्शन को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत हो गया इस एनर्जी में रहना, बहुत हो चुका ओवर थिंकिंग करना, बहुत कुछ मैं खो रहा हूं, बहुत कुछ लॉस हो रहा है मेरे लाइफ में, अब और नहीं, इस रिश्ते में बैलेंस लाना है। सिक्स नंबर, टू नंबर और फोर नंबर आपके लिए खास हो सकता है और वन नंबर खास हो सकता है। तो डियर यहां पे मैं बोलना चाहूंगी, थोड़ा बगल से बहुत आवाजें आ रही है डियर, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, बगल से बहुत सारी आवाजें आ रही है थोड़ा सा, इसलिए इग्नोर कीजिएगा। यहां पे मैं देख रही हूं ये पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। अब ये इनके दिल और दिमाग कह रहा है कि अब मुझे एक्शन ले रहा है, कब तक मैं इस एनर्जी में रहूंगा, कब तक मैं बर्दाश्त करूंगा, कब तक मैं लोगों की करता रहूंगा, मेरी खुशी कहाँ है, हमेशा मैं लॉस ही कर रहा हूँ खुद को। तो यहाँ आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, इस एनर्जी में है, ये सो नहीं पा रहे डियर, ठीक है। और इस कनेक्शन को ये बहुत ज्यादा फील करते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्पाइक कर रहे हैं डियर, ठीक है। ये पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत स्पाइक कर रहे हैं आपको, और यहां तक ये पर्सन
आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप किससे बात कर रहे हो, किससे कांटेक्ट कर रहे हो, किससे आपकी नई नई दोस्ती हुई है, आप पर कौन फोकस कर रहा है, आप कहाँ चैट करते हो, इन बातों का भी असर आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आप किसी तरह इनके जो सपने हैं आपको लेकर वो सपना अब पूरा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, नहीं मिल रही है डियर, तो ये पर्सन किसी तरह से अब आपको पाना चाहते हैं, इन्हें इनके अंदर एक डर, एक जेलसी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अगर कहीं आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तो उनको आप वो प्यार नहीं दोगे, वो पैम्पर नहीं करोगे, शायद इनका भी असर इन पर हो रहा है कि आप पहले जैसा नहीं रहे। ठीक है, घबरा बहुत रहे ये पर्सन, अंदर से डर हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, लेकिन अब और नहीं, मैं तैयार हूं। ये आपके लिए पैशनेट भी हो रहे हैं, देखिए डियर, पैशनेट अटैचमेंट आपसे बहुत होता जा रहा है, ये धीरे 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 इनका अटैचमेंट आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, पैशनेट होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा दुख इनको इस बात का है कि ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं इनके अंदर बहुत घबराहट और बेचैनी बढ़ रही है, आपसे ये दूर नहीं जाना चाहते, इस रिश्ते पे अब काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में अब चेंज लाना चाहते हैं। मैं रह नहीं पा रहा हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, मैं बेचैन हूँ, घबराता हूँ। इस पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा में पेन हो सकता है, एंजाइटी की वजह से बीपी, इनकी बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, किसी को मुझे लग रहा है डायबिटीज की एनर्जी है, तो किसी तरह से आपके पार्टनर के हेल्थ पर भी ये बुरा असर हो रहा है। ठीक है, तो ये घबरा इस वक्त बहुत रहे हैं, घबरा रहे इस वक्त, ये चेंज लाना चाहते हैं इस रिश्ते पे, अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, इनका दिल बिल्कुल इस वक्त नहीं लग रहा है डियर, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, बहुत लोग यहां मैंने नंबर बता दिया, किसी के लिए 4, किसी के लिए 2 और किसी के लिए 1, किसी के लिए 6, ये देखिए अब आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसी के लिए दिन भी हो सकते हैं बाबू, ठीक है, दिन भी हो सकते हैं, घंटे भी हो सकते हैं, बहुत लकी हुए तो मिनट सेकंड भी हुए। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप उठा रहे हैं, अब आपकी तरफ ये बढ़ रहे हैं, अब बहुत हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे व्यूवर्स, हो सकता है मेरे व्यूवर्स काफी सालों महीनों से आप वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग में हाल में ही ब्रेकअप हुआ है, लेकिन ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन की एनर्जी देखिए कि किस एनर्जी में आपके पर्सन है, एकदम हार गए हैं, टूट गए हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत अंदर से एक खालीपन, एक अकेलापन है, अब ये आपके बगैर जी नहीं सकते हैं, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, और ये कहना चाहते हैं बस हो गया, मैं आ रहा हूं। ठीक है, ये पर्सन किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जितना आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन जेलसी भी फील कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्किल बढ़ रहे हैं, या फिर आप जॉब करते हो, कहीं ना कहीं पर्सन के अंदर एक जेलसी की भावना भी हो रही है, इन्हें डर लग रहा है डियर कि आप इनसे दूर चले जाओगे, अब और नहीं, बस मैं आ रहा हूं। ठीक है, ये धीरे धीरे बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं डियर, एकदम स्टेप नहीं उठाएंगे, सबकी अपनी अवेकनिंग है, अपनी हीलिंग प्रोसेस है, सबके अपने कर्मा है। ठीक है, कुछ कर्मा रिलीज हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, तो अगर आपको अभी भी ब्रेकअप हुआ है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि आपको आपका मैनिफेस्टेशन पावर काम कर रहा है, बस आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि देखिए आपके पर्सन का हाल देखिए क्या है। ठीक है, इस वक्त ये बैलेंस करने की कोशिश करें, इस रिश्ते में इनको रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, आपके बिना आपसे दुनिया अब इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ये समझ रहे हैं आपको, आपकी फीलिंग्स को, कि उन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया, आपकी बात नहीं मानी इन्होंने, अब ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, अपने अंदर जो इन्होंने अपने आप की कमी को ये महसूस कर, जो इनके अंदर जो कमी है उसको ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात की अब ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, सही गलत का इन्हें पहचान हो रहा है, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, किनको, कौन इनकी मदद कर रहा है, इनकी क्या जरूरत है, क्या ये फील करे, क्या इनका एहसास है, इस वक्त इनको अच्छे बुरे की पहचान हो रही है, अब सही गलत क्या है उनको ये पहचान रहे हैं। पूरी पूरी रात ये पर्सन सो नहीं पाते हैं, आप पर नजर होती है कि आप किससे बात करते हो, आप बदल गए हो, मतलब वो प्यार, वो पैंपर, वो सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जिद है कि ये आपको पाएंगे, ये मेरी जिद है कि मैं तुम्हें पा कर रहूंगा या पा कर रहूंगी, वक्त कैसा भी हो ये टल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें पा कर ही रहूंगा, इस तरह की एनर्जी
आपके पर्सन की है। इनका मूड इस वक्त है कि बस मैं अब तैयार हूँ। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपके तरफ ये कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन के दिल और दिमाग में आपसे बात करना है, ठीक है। कुछ लोग का कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन मैं बोलूंगी कुछ लोग का कॉल मैसेज आएगा आज पूरे दिन। मैं आपको बोल देती हूँ, आज अभी इसी वक्त से जो आप वीडियो देख रहे हो, इससे आज 24 घंटे तक अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आता है तो थोड़ा सा आप कंट्रोल रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी में उतार चढ़ाव देखें, क्योंकि किसी का ब्रेकअप हाल में हुआ है या फिर आप लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हो या आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की जरूरत है। कभी भी आपकी एंजाइटी गुस्सा आपके अंदर से आपको ट्रिगर कर सकती है और आपके पर्सन से अगर बात होती है तो आपसे फाइटिंग हो सकती है, जहां ब्रेकअप भी हो सकता है। क्योंकि इस स्थिति में ये पर्सन नहीं है कि आपसे वो झगड़ा और फाइट करें। यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। 24 घंटे आपको चुप्पी साधना है, बात होती है तो बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ 6 नंबर बैलेंस का भी आया है डियर, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज का भी है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, नहीं तो फिर झगड़े फाइटिंग और एंजाइटी, इसके बाद ब्रेकअप। कुछ लोग के लिए ऐसा है क्योंकि कुछ लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन का हार्ट चक्र होता है, कभी कभी पेन भी हो रहा है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर सही दिशा देख रहे हैं और ये तैयार हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। और इस पर्सन के दिल और दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ बातें करनी है और सारे झगड़े को खत्म करना है। सारे झगड़े को खत्म कर सारी दुनिया को खत्म कर एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। लेकिन ये जो इस वक्त प्यार फील कर रहे हैं, बहुत स्पेशल, बहुत ही खास इस वक्त आपको ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन कैसे आप तक पहुंचूं, कैसे मनाऊं, कैसे कॉल मैसेज करूं, इस दूरियों को कैसे खत्म करूं, इस झगड़ों को कैसे खत्म करूं, तो इस तरह आपके पार्टनर की एनर्जी है। देखिए आपको इस वक्त अपने साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इमेजिन करना, बहुत फील करना, इस तरह की एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन वो आपके अपने पास आपको फील कर रहे हैं। ये मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के अंदर बहुत एक पैशनेट एनर्जी जाग रही है आपको लेकर, एक रिस्पेक्ट जाग रही है और अच्छे जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो देख रहे हैं। आपने क्या बोला नहीं बोला इस वक्त उसका मायने नहीं रखता है। क्या आपने इन्हें अच्छा दिया, क्या आप इनके लिए अच्छा किया, इस वक्त वो सोच रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग रहा, आप दोनों का एक दूसरे का विश्वास रहा, तो आप दोनों को कोई नहीं तोड़ सकता है। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप दोनों में अगर विश्वास है, ये रिश्ता स्ट्रांग है, तो कोई भी आपको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता, ना ही कोई तोड़ सकता है। आपके रिश्ते विश्वास पे टिकी है, अनकंडीशनल लव पे टिकी है, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। इसलिए इस वक्त ये सोच रहे हैं सही और गलत क्या है, इन्हें अब पहचान हो रही है। आपको बहुत स्पाइक कर रही है पर्सन, ठीक है। देखिए ये पास्ट में जो भी कुछ हुआ या फिर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, फिर आपने इनको रिजेक्ट किया, अब सारी चीज को ये दूर कर एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। तो ये पर्सन की एनर्जी आप देख रहे हो कि किस एनर्जी में है, और इस एनर्जी में देखिए कि ये आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं और डिसीजन बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। आपको या एक दूसरे को आप दोनों ने रिजेक्ट किया है, तो वहां पे बैलेंस लाकर एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस दर्द पेन से निकलकर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपको अपनी फैमिली का भी हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ना आपके पेरेंट्स मान रही है ना उनके पेरेंट्स मान रहे हैं। जबकि एक हो सकता है कोई एक आपके पेरेंट्स तैयार भी है, जहां कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आ जा रही है, जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और एक दूसरे को बात नहीं मान पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन कह रहे हैं कि सबको छोड़कर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जब तक आप दोनों बात नहीं करेंगे, आपके रिश्ते में जो झगड़े फाइटिंग जो गलत फहमियां हुई है उसको ये दूर करना चाहते हैं। जब आप लोग मिलोगे, बात करोगे, तभी वो गलत फहमियां दूर होगी, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन बहुत अकेला है, एक होता है ना अकेलापन, काफी सोचना कैसे कदम बढ़ाऊं, क्या करूं, लेकिन अब और नहीं, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, बस आप चाहिए और मैं तैयार हूं। इस वक्त आपके पर्सन अपनी गलतियों को गिन रहे हैं, गलतियों को महसूस कर रहे हैं, बहुत इमेजिन कर रहे हैं। इस वक्त देखा जाए तो ये एनर्जी इनकी उतार चढ़ाव की है, सो नहीं पा रहे हैं और इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर, इस वक्त ये बहुत मिस कर रहे हैं और आपको अपने तरफ वो फील कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं और काफी ये सपने देख रहे हैं। ये खोना अब नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है
कि मैरिज आपसे करना चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड ये कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन से आपको कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं करना है, नहीं तो मैं यहाँ गाइडेंस दे देती हूँ, बातचीत होगी 24 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे आपसे फाइटिंग भी हो सकती है, जहां एंजाइटी में आपके पर्सन चले जाएंगे आप भी जाओगे और यहाँ ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, यहां से देख लेती हूँ। सफल किया पेज ऑफ सोर्स, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं, कैसे कदम उठाऊं, कैसे बात करूं। यहाँ पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी इशू में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन आपको लेकर अपने हो सकता है किसी से जानकारी ले रहे हैं। अगर आपसे कॉन्टेक्ट नहीं है डियर, तो ये पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्किल से या फिर आप जहां जॉब करते हो किसी से भी आपके बारे में काफी मतलब फोकस कर रहे हैं, स्पाइक कर रहे हैं, आपकी जानकारी ले रहे हैं इस वक्त। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो यहाँ आपके पर्सन इस वक्त भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इनकी मतलब जो एनर्जी देख रहे, एंजाइटी, स्पाइक करना, आपके बारे में जानकारी लेना, ठीक है, आप कब कहाँ मिले, जैसे भी मिले उस वक्त को याद कर रहे हैं। ठीक है, काम पर भी इनका दिल नहीं लग रहा क्योंकि ये आपको स्पाइक कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या करूं। देखें, एक नदी है और नदी क्रॉस करना है, ये आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं और फिर सोचते हैं क्या मैं इस नदी को पार करूं, इस रिश्ते में आगे बढ़ूं, तो ये चीज ये अभी इस वक्त सोच रहे हैं कि स्टेप बढ़ाऊं, कदम बढ़ाऊं, क्या करूं, तो यहाँ पे ये एनर्जी आपके पर्सन की है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ पैशनेट भी बहुत हो रहे हैं और आपकी तरफ तेजी से ये बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब वो इमेजिन भी कर रहे हैं और आपको अपने पास अपने करीब पा रहे हैं, दर्द से निकलना चाहते हैं। देखिए द चैरियट, बहुत फीलिंग्स, बहुत प्यार, बहुत अनकंडीशनल लव, ये आपकी तरफ कॉल मैसेज करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ कॉल मैसेज आ सकता है डियर। यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ बात करने का, लेकिन फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन ये कप को आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन कब, क्यों और कैसे, क्या करूं, क्योंकि इस वक्त ये परेशानी में है, ये आपकी तरफ स्टेप उठाना चाहते हैं, लेकिन कब, कैसे, क्या करूं, इस एनर्जी में आपके पार्टनर है। तो देखिए आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी है कि ये बहुत ही अकेले हैं, टूटा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं विश की तरह मांग रहे हैं। देखिए इनके लाइफ में सब कुछ है, सारी खुशियां हैं, अवर्डेंस बहुत है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, सब कुछ है, लेकिन ये जो नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये है आपके पार्टनर की, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी विश हो और ये विश उनकी पूरी होनी चाहिए, इस वक्त आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और काफी आपके बारे में ये सोच रहे हैं, इस वक्त ये पर्सन काफी आपके बारे में सोचे जा रहे हैं डियर। ठीक है, लगातार बार बार आपके बारे में ये सोचे जा रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ सोर्स, तो ये पर्सन की विश आप हो और आपको पाना है, बस आप उनकी जान हो, आप उनकी लाइफ हो, कुछ भी हो, बस आपको पाना है और यहां से निकलना है, और ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये द चैरियट की एनर्जी आपके तरफ बहुत प्यार, बहुत बहुत ट्रू लव, बहुत अट्रैक्शन, और यहाँ पे आपके पार्टनर आपके तरफ कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। तो 24 घंटे में देखिए डियर, अगर कॉल मैसेज आता है तो इस वक्त आपके पार्टनर का मूड आप देख रहे हो, कितना पैशनेट, कितना एंजाइटी, कितना टेंशन, लेकिन आप ही आप हो, अब आप उनकी विश हो, ये विश उनकी पूरी होनी चाहिए, ये आपकी तरफ इस रिश्ते पे ये काम करना चाहते हैं। द चैरियट की एनर्जी आई है तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो ये पर्सन की विश हो आप तक पहुंचेंगे, लेकिन हिम्मत जुटाते जुटाते बहुत लोग के पार्टनर आपके तरफ स्टेप उठा रहे हैं, अब ये तैयार हैं और आपके तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी अवेकनिंग देखिए, आप या फिर आप किस एनर्जी में हो, अवेकनिंग से गुजर रहे हो, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, या फिर बहुत सारे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो सबकी एनर्जी ये कलेक्टिव रीडिंग है डियर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि यहाँ बहुत व्यूवर्स होते हैं, कुछ लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, कुछ लोग हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कुछ लोग अभी 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 उनका ब्रेकअप हुआ है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं, लेकिन आपने आप पे कंट्रोल रखिएगा कि हो सकता है 24 घंटे आपकी एनर्जी में भी उतार चढ़ाव हो सकता है, कभी आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, कभी कभी एंजाइटी, कभी गुस्सा, हो सकता है इस बीच आपके पार्टनर से बातचीत हो, तो आप अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा,
क्योंकि इस वक्त ऐसे मूड में नहीं है, वो आपका प्यार चाहना चाहते हैं, इंटेंशन पाना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ गुस्सा होगा तो आपका ब्रेकअप भी हो सकता है डियर, इसलिए कंट्रोल रहिएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग खुद पर कंट्रोल कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए और देखिए आपकी विश कैसे पूरी होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। गॉड ब्लेस, थैंक यू।